नमस्कार। पत्रिका देवी के खास प्रोग्राम पत्रिका मंच में जिस शख्सियत से माँ बाप आपको मिलवाने जा रहे हैं, ये मूल रूप से जयपुर निवासी है लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बात करें विकास सक्सेना की, विकास कोरियोग्राफर है, एक्टर है और भी बहुत सारे काफी सारी खूबियों के मालिक है, तो उन्हीं से जानेंगे उनकी सारी खूबियों के बारे में। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपको बताया स्टूडियो में। कोरियोग्राफर आप हैं, आप एक्टर भी हैं, बॉलीवुड से भी आप जुड़े हुए हैं। शुरुआत जो हुई थी सफर की आपकी बॉम्बे तक की, कैसे हुई? ये बताने में तो पूरा दिन रात निकल जाएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ से और मुंबई तक की गाड़ी पकड़ूंगा तो बहुत सारे स्टेशन आते हैं। लेकिन हाँ, सफर बड़ा कठिन था मेरा, क्योंकि मैं एक मतलब ऑफिसर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सर्विस क्लास जी। तो बहुत कठिन था। शुरुआत आप ये मान के चले कि एक शौक से हुई थी। छोटा था तो बस रेडियो पे या कहीं भी गाना आ रहा है तो बस नाचना है, शोक गीत चल रहे उसमें भी नाचता था, स्टेप बनाता था जी। जिसको आजकल लोग अर्बन स्टाइल सॉफ्ट डांस वगैरह ले रहे हैं, ये हम लोग तब भी करते थे। और बस एक शौक ने जन्म लिया, फिर जेकेके में गया, रविंद्र मंच गया, यहाँ हमारे गुरुओं से मैंने एक्टिंग के कोर्स सीखे तो एक्टिंग में इंटरेस्ट आया। शुरू से ही बस एक यही था कि स्कूल में भी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज हुई उसमें सबसे आगे रहना। कॉलेज में गया तो यूनिवर्सिटी के सारे अवार्ड्स 97 से लेकर 2003 तक मैंने जीते हैं। फर्स्ट प्राइज राजस्थान यूनिवर्सिटी, आप कभी भी देख सकते हैं जी। और फिर बस धीरे धीरे इसी लाइन को फॉलो किया। कुछ लोग बोले, पहला ब्रेक मिला मुंबई के डांसशाला से जी, जिसमें मैंने एक जफर भाई का एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाया था, शक्ति कपूर, राखी सावंत, आशिमा शर्मा उसमें डेब्यू करी थी, प्रशांत नारायण एक्टर थे उसमें जी, आदित्य पंचोली, मुकेश तिवारी, सभी लोग, अच्छी स्टार कास्टिंग थी। और फिर उसके बाद एक मूवी बेटियां करी है और एक अभी सफरनामे है, वो अभी 2020 तक सब्जेक्ट रिलीज है जी। फिर काफी असिस्ट किया, फिर मुलाकात सरोज खान जी से हुई और धीरे धीरे मिलता गया अपने मुदस्सर खान, एक अपने शक्ति मोहन और भी डांस कोरियोग्राफी टीम में मिलता चला गया, बस कड़ियां जुड़ती गई। जैसे आप बता रहे थे कि आपने थिएटर किया या मतलब एक्टिंग की सिखाया था, आपने थिएटर किया था या जो एक्टिंग आपने सीखी वो किस किस वजह से सीखी थी? थिएटर से शुरू किया था और जेकेके से किया था मैंने। हमारे उस टाइम डायरेक्टर हुआ करते थे सरताज माथुर साहब जी, बड़े गुरु, उनसे ही शुरुआत, फादर के नोन भी थे तो हम लोग यही रहते थे एमएलए क्वार्टर्स में जी। तो बस वहां देखा, थोड़ा बहुत अच्छे दोस्त मिले, आज इरफान खान आप देख रहे हैं उनसे भी थोड़ा बहुत, रविंद्र मंच वो तो शायद नहीं ध्यान होगा बट मेरे को ध्यान है, हम बच्चे थे तो उनसे भी कुछ थोड़ा बहुत देखते थे हम लोग। और सरताज सर के थ्रू अनूप सोनी सर, जो आजकल आप सोनी टीवी को देख रहे हैं, काफी फ्रेंड्स हैं जयपुर राजस्थान थिएटर से जो कि वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी बस थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत। जो भी आप काम कर रहे थे, जो आप जयपुर से बॉम्बे का जो आपका सफर रहा, जैसे आप पहुंचे तो आप एज एक्टर बनने वहां पहुंचे थे या कोरियोग्राफर के लिए गए थे आप? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि मैं शुरू से ही दोनों चीजों में इंटरेस्टेड रहा हूँ। और दोनों चीजों में इंटरेस्टेड रहने से ये रहा है कि एक्टिंग के लिए तो गया ही था, ऑडिशंस बहुत दिए, क्योंकि ये किसी ने कहा कि वहां जाओ, सारे प्रोडक्शन हाउसेज में जाओ, वो करो। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़ चुका हूँ, अब सब बातें ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, एक स्ट्रगल है, आप कहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू में गए, तीन दोस्त गए थे यहाँ से, तो हम भयंदर थोड़ा आउटर एरिया में आता है जी, वहां रहते थे फ्लैट किराए पे लेके। अब हम तो राजस्थान के अपने राजश्री ठाटवाड़ से रहने वाले, वो मुंबई के धक्के और वो सब नहीं बताते, तो अब सब सीख गए, अब तो 6-7 साल हो गए। अभी फिलहाल मैं अंधेरी वेस्ट में रह रहा हूँ और मेगा मॉल के पास में, तो अब तो सारा कुछ ट्रेनिंग मिल गई है। एक्टिंग करने ही गया था मान लें, और कोरियोग्राफी और ये तो मेरे ब्लड में है, मैं करता ही हूँ शुरू से ही डांस कोरियोग्राफी। फिर गुरु मास्टर अपने सरोज खान जी ने बड़ा सपोर्ट और आशीर्वाद दिया, और एक शख्स का नाम मैं लेना चाहूंगा जिन जो मेरे वास्तविक इंट्रोड्यूसर या गुरु हैं, उनका नाम है लॉलीपॉप सर जी। आपने गाना देखा होगा कई बार, एक आती का खंडाला, आमिर खान साहब जी, जी बिल्कुल, वो सर कई मेरे गुरु का, लॉलीपॉप सर कई, उनका नाम संजय प्रधान है, मैं उनको हमेशा याद करता हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत टिप्स सिखाए, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि डांसर ही कोरियोग्राफर होता है, मुझे नॉलेज नहीं थी। तो कैमरे पे एक जयपुर में शॉट चल रहा था, माहिया सॉन्ग चल रहा था मुंबई के डांसर कालवाड़ में,
वहां मैंने कैमरा वैमरा देखा तो बोले, मैंने कहा मैं भी कोरियोग्राफर हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे मेरी हकीकत पता लगी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो समझ में आया, तो फिर मैंने बस वहीं उनके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा मुझे आप सिखाओ कि ये क्या हो सकता है, बस फिर गुरु ने आशीर्वाद दिया तो सीखता चला गया। फ्रेमिंग सीखी कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ से क्या ओवर द शोल्डर शॉट्स क्या कटिंग है, सामने क्या जाएगा, केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, तब समझ में आया कि कोरियोग्राफर का काम कितना कठिन होता है। जैसे आप बोल रहे थे कि बॉम्बे में स्ट्रगल रहा आपका, आप तो खैर जुड़ चुके इंडस्ट्री से, तो कितने पापड़ आपको बेलने पड़े थे वहाँ? मैडम गिनती नहीं कर सकते थोड़ा बताओ। ये तो लोकल, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा यूथ वहाँ जाता है, बिल्कुल, तो कुछ उनको उन्हीं के लिए समझ लीजिए उनको टिप्स आपकी तरफ से मिल पाएंगे जो जा रहे हैं यहाँ से? टिप्स तो नहीं, सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ का मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ उनका। हाँ। और मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ तो सबसे पहले जय भोलेनाथ से ही आरंभ होता है और उन्हीं को समर्पित है मेरा सब कुछ। तो मेरा सबसे पहले तो यही है कि आप डेडिकेटेड हो। हाँ। और अगर आप जिद्दी हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। रही बात पापड़ बेलने की, तो डेफिनेटली वहां पर उतरने वाले लाखों लोगों में से आप ये मान के चले कि 99,000 वापस आते हैं शाम को, और 1,000 में भी वो लोग कुछ दो लोग तीन लोग जिद्दी टाइप के होते हैं जो रुकते हैं, या फिर कुछ पैसा खराब करके या फिर कुछ गलत संगति में पड़ के, क्योंकि वहां पर चकाचौंध की दुनिया के नाम पे फरेब भी बहुत है। हाँ जी। और हम राजस्थानी लोग इधर के थोड़े सीधे पड़ जाते हैं, इस मामले में नहीं समझ पाते। तो मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करूंगा, सभी शहर के छोटे शहरों से हम लोग जो जाते हैं, स्मॉल सिटीज से हम लोग, सब माया नगरी है, वहां उलझ जाते हैं। तो अच्छे प्रोडक्शन में आप जाइए, बड़े प्रोडक्शन में जाइए, आप चूज करें, जरूरी नहीं है कि आप अपॉर्चुनिस्ट बने। हाँ। जिद करें कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। आपको बहुत लोग आएंगे कि हम तुम्हें फिल्म में काम देंगे, ये करेंगे, नहीं। आप पहले खुद की क्वालिटी पे बिलीव कीजिए, आप भरोसा करें आप एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप भरोसा करें आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं। हाँ। और अच्छी प्रोडक्शन हाउसेज में जाइए, वहां बहुत अच्छा काम आपको मिलता है, बहुत अच्छे लोग वहां पर मिलते हैं। अच्छा, आपने मूवीज में भी काम किया, तो पहली मूवी जो आपको मिली थी किस तरह से, कैसे मिली आपको ब्रेक, कैसे मिला? बड़ा दिलचस्प है मैम, ये लोग आए थे, रंजीत शर्मा जी प्रोड्यूसर थे उसके जी। और सचिंद्र शर्मा सर जो उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने उसके राइटर भी हैं, माय फ्रेंड गणेशा के जी, उनकी मूवी थी ये। वो जयपुर लोकेशन ढूंढ रहे थे, तो उनको कोई सेटिस्फेक्ट्री वर्क नहीं मिल पा रहा था। हम लोग यहाँ प्रोडक्शन और इवेंट कंपनी भी चलाते हैं अनबीटेबल ग्रुप के नाम से, जो मेरी यहाँ पे फर्म है। तो वो ढूंढ रहे थे, तो हम किसी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारी यहाँ पे जयपुर में, संजना शर्मा जी जी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया उनसे कि ये हार्ड वर्किंग लड़का है और ये करेगा मेहनत, आप बताओ। तो मेरे पास प्रोफाइल्स थी सबकी, तो मैं अपने आप को तो रख ही नहीं रहा था, मैंने उनको बस ये बताया ठीक है, उनको लोकेशन विजिट कराएं दिल्ली रोड की, ये वो कालवाड़ किला सब, उनको मेरा काम अच्छा लगा। फिर एक दिन ऐसे ही वो जब डायलॉग वायलॉग चल रहे थे, तो रात में हम छत पे बैठे हुए बात कर रहे थे, तो मैं भी राखी सावंत वगैरह सब थे, तो मस्ती कर रहे थे हम लोग, डांस वांस जो लास्ट में पैकअप के बाद होता है, मैं डांस कर रहा था। सुजेंद्र शर्मा सर बोले यार तुम तो बहुत अच्छा डांस कर रहे हो क्या? फिर मेरे बारे में मेरे जो टीम वाले थे उन्होंने बताया कि ये यूथ फेस्टिवल इंटरनेशनल विनर भी हैं, शुतौरो फर्स्ट ही जीते हैं, कभी सेकंड नहीं आए। तो फिर बोले कि एक स्क्रीन टेस्ट ले ले तेरा, मैंने कहा ले लो, तो अब लिया। फिर बोलते हैं यार पॉजिटिव रोल तो खत्म हो गए, तेरे को एक नेगेटिव रोल देता हूँ गुंडे का, बढ़िया गुंडा बनेगा? मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? मैंने कहा मूवी रिलीज होगी ना? बोला हाँ बिल्कुल होगी। ठीक है। ये शुरू से मेरे को काम तो बहुत मिलते थे, लेकिन मैं थोड़ा, मेरा चूज था कि मैं हिंदी मूवी में ही काम करूं जी। ये मेरी जिद थी। तो फिर हुई मूवी, पीके के साथ ही रिलीज हुई, ठीक ठाक चली, अच्छी मूवी थी, मुंबई के नाम चला जी। और उसमें फिर उन्होंने मेरे को दिखाया, जफर भाई का लिया उन्होंने मेरा कैरेक्टर, और बस वहीं से सिलसिला चालू हो गया, मुंबई वालों के संपर्क में आ गए। और फिर सेकंड मूवी आपकी जो थी वो अभी सब्जेक्ट टू वर्क चल रही है। अच्छा, थिएटर जैसे आपने यहाँ पे किया, तो कितना थिएटर कितना किया आपने, कुछ ज्यादा टाइम आपने काम किया? मैंने थिएटर, हाँ मैंने ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मैंने 3-4 साल ही यहाँ पर काम किया है, रविंद्र मंच और जवाहर कला केंद्र दोनों मिला के। तो कहीं कहीं जगह पे बड़ा, आज मैं सेट हूँ तो एक बात जरूर आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, और ये एक तरह से मान लीजिए उस समय एक 15-16 साल के लड़के पे जो चोट लगी थी, मुझे मेरे फादर एक्चुअली पसंद नहीं करते थे जी। तो फादर आके कई बार चिल्ला जाते थे आके कि तू क्या, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो बोले कोई अपना खानदान नहीं है क्या, कोई काम है क्या, तो मैं क्लास 1 ऑफिसर थे वो रिटायर, तो मैंने कहा, तो मेरे जो सर थे वो बाद में बड़ा पिंच किया करते थे मुझे, तू तो बड़े बाप की औलाद, तू तो IAS बन, RAS बन, तू क्या करेगा।
जबकि मैंने यहाँ पर बाल जो नाट्य शिविर होता है उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था और उन्होंने ही मेरे जज किया था, मेरे गुरुओं ने जी। लेकिन जब यहाँ से हमारा एक्ट गोवा गया तो मेरा नाम नहीं था। क्यों? अब वो क्यों का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। अच्छा, अच्छा, वो क्यों की जिद थी कि आप जो अनबीटेबल ग्रुप देख रहे हैं, इतना बड़ा फर्म है, आज हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम काम कर रहे हैं। ये अनबीटेबल ग्रुप यही बना था 97 में। हमारे बाल नाट्य शिविर के जिस ग्रुप में मैं था उसका नाम अनबीटेबल ग्रुप था। ओके। जो आज भी रखते हैं लोग अपने अपने ग्रुप्स के जी। तो मैं एकलव्य था, मुझे द्रोण नहीं मिले, वो आज तक भी नहीं मिले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमी खलती है आपके। बिल्कुल, गुरु की कमी मुझे शुरू से खली, तो मैंने भोलेनाथ को गुरु बनाया जी। मैंने फोकस किया, फिर मैंने टीवी देखे, टीवी पे जो जो मुझे, जैसे मैं प्रभु देवा सर को बहुत फॉलो करता हूँ, मेरे लिए भगवान है। सरोज खान जी मेरे लिए बहुत, वो तो लाइब्रेरी है साक्षात, सभी जानते हैं, उनसे बड़ा नाम नहीं है इंडस्ट्री में। सरोज खान जी, फिर लॉलीपॉप सर, ये लोग कुछ ऐसे मिले जिन्होंने मुझे कुछ टिप्स देते रहे जी। मैं एग्जैक्टली बोलूंगा कि इन्होंने मेरे को पूरा सिखाया बिठा के, नहीं, उन्होंने मुझे खड़े रहने की परमिशन दी अपने सेट पे, तो मैं ऑब्जर्व करके सीखता रहा। मुझे ऐसे नहीं सिखाया किसी ने कि देख ये फ्रेम होता है, ऐसे होता है, नहीं, ऐसा मुझे किसी ने कभी नहीं सिखाया। असिस्ट करते 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 वो काम मुझे मिलता चला गया। विकास, बातचीत का सिलसिला जारी रखें, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मैं फिर दोबारा बात करूंगा। जरूर। तो पत्रिका मंच में फिलहाल होते एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी विकास से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और हम बात कर रहे हैं विकास से। विकास, इतना टाइम अपने काम के, इतना टाइम से आप कर रहे हैं काम, जयपुर भी है, बॉम्बे, दोनों जगह आप काम कर, आपका काम चल रहा है। डांस जो आप करते हैं, आपको सबसे ज्यादा फेवरेट फॉर्म कौन सा है डांस का जो आपको पसंद है? जी, पसंद तो बहुत सारे हो गए क्योंकि अब तो इसका विजन ही बदल चुका है जी। हवा में भी डांस हो रहा है, जमीन पे भी हो रहा है, इसका भी कुछ हो रहा है। लेकिन मेरा तो फेवरेट शुरू से बॉलीवुड है, फ्री स्टाइल, और वही मैं करता हूँ। और वही सारा मेरे को अच्छा लग रहा है कि भाई मैं बॉलीवुड डांस कर रहा हूँ या जो भी मेरी परफॉर्मेंस हो रही है वो बॉलीवुड पे ही मैं फोकस करता हूँ। फ्री स्टाइल डांसिंग जिसमें एक्सप्रेशन हो, जिसमें स्टेप्स हो, हम लोग कुछ करें, वही रहता है। आप जॉलीवुड क्या है उसके बारे में बताइए, क्या है, क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ जानना चाहूंगे। जी हाँ, जॉलीवुड एक थॉट थी मेरी। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि क्या कभी प्रभुदेवा सर से मिल पाऊंगा, क्या मैं कभी सरोज खान जी को देख पाऊंगा, तो मेरे एक थॉट थे। फिर इतना पैसा भी नहीं था, इतना एफर्ट्स नहीं, जानते नहीं थे कहाँ मिले हैं, किससे मिले हैं, और वो हमारे सुन के आएंगे क्यों। तो अब हमारा टाइम वो चीज निकल गया कि अब हम उन सब में करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जो वहां लोग कर रहे हैं उनको यहाँ लाया जाए जी। तो फिर कुछ कमा के, कुछ थोड़े फंड्स अपने खुद की जेब से किए, कुछ दोस्त, कुछ फाइनेंसर्स जुड़े हमारे साथ में, तो एक DJD करके एक मैं कंसेप्ट लेके आया, डांस जयपुर डांस, जिसका पहला सीजन मेरे संग मुदस्सर खान आए, सेकंड सीजन में मेरे संग शक्ति मोहन आई, और थर्ड सीजन में मेरे संग खुद सरोज खान जी आई। तो इसके बाद फिर ये लगा कि एक शूटिंग क्यों ना हम यहाँ पर प्रोडक्शन बनाए, हम यहाँ पर शूट करें। तो वो मैंने टिकट टू बॉलीवुड के नाम से एक मैंने टैलेंट हंट खोज किया, तो उसमें ऐश्वर्या और कुछ लोग चुने गए मेरे पास। देवांश है एक बच्चा, एक बच्ची है, एक प्यारा सा नाम है उसका, वान्या जी। इन तीनों को लिया, फिर एक एल्बम बनाया मैंने जिसका नाम सफर है, जो जल्दी अभी इसी मंथ एंड में रिलीज होने का है जी। और वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रहा है वो, तो हिंदी एल्बम है, हिंदी सॉन्ग है सफर मेरे इश्क का। तो वो ये लगा कि हम लोग वहां का काम वहां शूट ना करके हम जयपुर में ला के शूट करें, जिससे यहाँ के टैलेंट को मौका मिले जी। और यहां से हम पोस्ट प्रोडक्शन ऑब्वियसली मुंबई करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजीज की कमी कहीं कहीं हमें अखर जाती है। यहाँ पर है हमारे पास अच्छा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, अभी भी कुछ चीजें नहीं मिल पाती। तो ये कंसेप्ट दिमाग में आया कि यहां पर हम बॉलीवुड के छोटे भाई जॉलीवुड को बनाएं, मतलब हम प्रोडक्शन करें। राजस्थान इतना सुंदर है, पद्मावत जैसी बड़ी बड़ी मूवीज बन गई, हमारे पास किले हैं, हमारे पास पानी, हमारे पास सब कुछ है, बहुत हरियाली है, हमारे पास बहुत अच्छी लोकेशन है। तो हम इस लोकेशन को कैश करें, हम यहाँ पर इसको हेरिटेज बनाएं, लोगों को काम मिले। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि हम लोग के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दें, हमें जमीन दें, हमें कुछ चीजें दें, फाइनेंशियल हेल्प करें कि हम लोग जॉलीवुड बनाएं और इनिशिएटिव लें यहाँ के सांस्कृतिक मंत्री। सफर के बारे में थोड़ा सा और बताइए, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्या है सफर? एक सॉन्ग है, इसको गुफी पेंडल साहब ने, जो कि मामा शकुनी, जब हम छोटे थे तो आपने भी देखा होगा शायद उनको, तो गुफी पेंडल साहब ने इसको लिखा है सॉन्ग को, और कुमार सपन और तृप्ति सिन्हा ने इसको गाया है। कोरियोग्राफ, डायरेक्टर, डायरेक्शन मेरा ही है, DOP तिवारी जी हैं।
ऐश्वर्या देवांश और वान्या इसमें मेरे को स्टार्स हैं। एक लव स्टोरी है जिसमें एक रजवाड़े का रोल में प्ले कर रहा हूँ, जो कि अपनी पुरानी बचपन की एक फ्रेंड है, उससे शादी करने के उद्देश्य से जयपुर वापस आता है। और बस बचपन की लव स्टोरी को कि एक अनटोल्ड एक लव स्टोरी है कि कितना ज्यादा डिवोटेड है वो लोग, तो पुरानी बातें याद आती हैं। फिर बाकी आप गाना देखिएगा, जल्दी रिलीज होने वाला है, बहुत मजा आएगा, आपका प्यार चाहिए सब लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। जैसे आप बता रहे थे जब आप यहाँ से गए, आपके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप उनकी तरफ से, अब क्या कंडीशन है, क्या किस सपोर्ट है उनका, हुई कंडीशन? देखिए अभी तो उनको थोड़ा सोचने समझने का अभी नहीं प्रॉब्लम हो गया, वो बेड रेस्ट पे ही है, तो अभी वो एक तरह से अनकॉन्शियस ही रहते हैं। और मतलब ज्यादा कभी कभी पहचान जाते हैं, मेमोरी लॉस भी होती है, कभी नहीं पहचानते, पहचानते हैं तो बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन आज से 6 महीने पहले ऐसा नहीं था, वो बड़े बिल्कुल फिट थे। और उन्होंने मतलब अब वो प्राउड करते हैं, लाइक उन्होंने जितना भी उस टाइम पे था, अगर आप मिलेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो अच्छा लगता है उनको सुन के जी। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि सरोज खान जी आई यहाँ पे, हाँ। डीजीडी में जब मैंने और सरोज जी ने साथ बैठ के जज किया, शक्ति मोहन आई, तो जिन सितारों को वो टीवी पे देखते थे, सीरियल्स तो सभी देखते हैं घर में, तो उन्होंने देखा कि नहीं ये तो कुछ कर तो रहा है। फिर हमने अभी एक बच्चा डीजीडी विनर हुआ, एक बच्चा अभी जीता था जी। तो वो अभी सुपर डांसर्स में टॉप पे चल रहा है, वो डीजीडी का हमारा विनर था गौरव सरवन, उसको आप अभी भी देख सकते हैं। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म भी मिलने लग गए कि यहाँ से बच्चे जीत रहे हैं, जा रहे हैं, तो हर माँ बाप को खुशी होती है, तो मेरे फादर को भी खुशी है। बिल्कुल। कोरियोग्राफ करना किसी सॉन्ग को या किसी प्रोग्राम को जज करना, दोनों में से ज्यादा प्रेफर आप क्या करते हैं, पसंद क्या है ज्यादा? मैम ऑफ कोर्स कोरियोग्राफी, क्योंकि धंधा ये है और लगन भी यही है और जिद भी यही है। कोरियोग्राफी और डांस एक्ट, दो चीजें मेरा जुनून है। जज करने में हम, हाँ, जज से एक फायदा ये मिलता है कि हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सुप्रीम पावर हैं और आप किसी को, मेरे हिसाब से मैं तो हर एक बच्चे से सीखता हूँ और उनके एक्ट से मुझे इतना सीखने को मिलता है कि जब मैं किसी एक शो को जज कर रहा होता हूँ तो मुझे, मेरे पास इतना मटेरियल होता है लौटते टाइम कि फिर वो मैं अपने शूट्स में अपने वहां और उनको इम्प्रोवाइज करके और उसको थैंक्स बोल के आता हूँ कि बेटा तूने मुझे सिखाया, धन्यवाद, नई जनरेशन बहुत अच्छा कर रही है, हमारे बाद आ रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और बड़े छोटे सबसे सीखने को मिलता है। रियलिटी शोज बहुत आ रहे हैं, कितना फायदा है इन रियलिटी शोज का? रिगार्डिंग फायदा जैसे मंच मिलता है, आपको लगता है कि जो जीत गए, जो विनर है, टॉप थ्री में आ गए, चले उनका तो एक बार नाम हो गया, बाकी जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको कुछ फायदा मिलता है आपको? बेशक, क्या लगता है? बेशक फायदा मिलता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं डांस की बात करूंगा क्योंकि जिस फील्ड से, देखिए सबसे पहले तो बेस्ट एक्सरसाइज फॉर कार्डियक है। आप ये मान के चले आप सफल हो ना हो, आप बेसुध होके 1 घंटा या 2 घंटा नाच लेते हैं तो आपने अपना सारा जितना फैट है वो बर्न कर लिया, आप एकदम खुश हो चुके हैं। अब इसके बाद दूसरी बात आती है प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल देखिए हर कोई सफल नहीं होता, हर कोई उस टॉप मुकाम पे नहीं जाता, हर कोई सरोज खान या प्रभुदेवा नहीं बन सकता, ये बात सच है। लेकिन आप इसकी वजह से ये भी सोच सकते हैं जो एक इंसान है हो सकता है वो आप हो जिसको बनना हो, तो इसलिए लगन करके मेहनत कीजिए। और ऑब्वियसली रियलिटी शो से एक्सपोजर मिल रहा है। जब मैंने यूथ फेस्टिवल इंटरनेशनल विन किया था 97 में जी, पत्रिका आप ही के अखबार में और एक भास्कर उनमें छप गया छोटा सा कि ये जीत के आ गया, बट एक्सपोजर नहीं था तो लोग उस टाइम नाम नहीं याद कर पाए विकास अक्सेना कौन जी, तो वो नाम रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए मुझे, आप देखो आज मैं 2019 में आपके सामने बैठा हूं, तो कितना बड़ा सफर मैंने तय किया, 20 साल की जर्नी की, तब मैं बता पा रहा हूं। तो ये एक्सपोजर बहुत अच्छा आजकल बच्चा करता है। फॉर एग्जाम्पल गौरव के नाम लूं, अभी थोड़े दिन पहले तक वो जयपुर में गलियों में बच्चा घूमता था, बट आज वो सुपरस्टार है जी। तो ये चीजें हैं कि आज एक्सपोजर मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप बहुत जल्दी सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आप बहुत जल्दी अपने काम में लगन से आप आगे बढ़ जाते हैं, तो डेफिनेटली रियलिटी शोज से यूथ का भला हो रहा है, सभी का भला हो रहा है। बिकॉज ये सारी चीजें तो आपके काम से रिलेटेड। अब मैं थोड़ा सा आपकी फैमिली, आपका बचपन, स्कूल, कॉलेज के बारे में जानना चाहूंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जी जरूर, थैंक यू। तो बताएगा मंच में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी विकास से बातचीत का सिलसिला जारी रहेंगे, आप बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और हम बात कर रहे हैं विकास से। विकास, ब्रेक से पहले तो आपने सारा अपना करियर कोरियोग्राफी के बारे में बताया, थोड़ा सा आपकी फैमिली, आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहूंगी,
आपको बचपन कैसा बीता वो सब चीजें थोड़ा सा बताइए। बचपन मेरा बहुत रॉयल और बहुत शाही अंदाज में गुजरा, और फादर क्लास वन ऑफिसर रहे और मैं इकलौता बेटा था, तो चार सिस्टर्स के बाद में तो शुरू से ही मुझे बहुत प्यार दिया सिस्टर्स ने, मम्मी पापा ने, हर चीज मेरी जिद पूरी होती थी, सब काम अच्छे होते थे, बस वो डांस जब पता लगा उसके बाद से पापा को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। और बचपन तो ऑब्वियसली ऑसम है, वो तो मेरे को कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मेरी मेमोरी का मैं थैंक्स नहीं करूं मेरे मदर फादर को, बहुत प्यारा बचपन बीता है मेरा। एजुकेशन वगैरह सब आपकी कहाँ से हुई? मेरी जयपुर से हुई है, और पापा का ट्रांसफर होता रहता था, पापा एक ईमानदार ऑफिसर टाइप थे, तो हम पैक ही रखते थे अपना बैडिंग, कभी हम चित्तौड़ चले जाते थे, कभी टोंक चले जाते थे, भरतपुर चले जाते थे, तो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में ही पढ़ा थोड़ा टाइम में, और बाकी फिर महावीर स्कूल जयपुर से मैंने मतलब ट्वेल्थ करी, फिर LBS कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, और इसके बाद मैंने HM किया है होटल मैनेजमेंट, और उसके बाद डिप्लोमा किया मैंने मार्केटिंग सेल्स मैनेजमेंट। इतनी सारी डिग्री ले ली आपने, दो तो उसके बाद आप चले गए कोरियोग्राफी और बॉलीवुड, तो फिर ऑब्वियसली पापा को तो गुस्सा होना ही था, वो नाराज होने होने वाले थे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये सब काम करते करते साथ में जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने डांस क्लासेस खोल ली थी, मैं सिखाने लग गया था जी। तो एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने 12th क्लास के बाद से मेरे मम्मी पापा से कभी एक रुपया भी नहीं लिया फीस का, सारा मैंने जो भी मैं सिखाता था, जो भी मैंने पढ़ाई करी या मैं जो भी कपड़े पहनता था सब कुछ वो अपने मन से मम्मी पापा दिलाई देते, बाकी मैं शुरू से सेल्फ मेड हो गया स्कूल में। जब मेरे दोस्त मिल्की वे था हमारे वहां पे, वो खड़े रहते थे, तब मैं उस टाइम पे भी डांस क्लास लेके पैसे कमाता था, तो बस शुरू से ये दिमाग में आ गया, जब खुद कमाया तो समझ में आया कि पैसे की कीमत क्या होती है जी। तो मेरे कभी गंदे शौक रहे नहीं, मैं कभी स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैंने कभी दोस्तों ने गुटके उठके मेरे को ये कोई भी शौक नहीं है, मैं पैसे इकट्ठे होते थे केले खाता था, मैं लस्सी पीता था, आज भी वही शौक है मेरे को। फिर तो कहीं ना कहीं पापा ठीक है आपको उन्होंने शायद मुझे लगता है शो नहीं किया होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस वक्त भी प्राउड होगा कि मेरा बेटा इतने कम एज में ही एक तरह से ज्वाइंट फैमिली सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल उनको कहीं ना कहीं एहसास होगा, और पहले के पापाओं में और आज के पापाओं में फर्क आ गया, आज के पापा एक्सप्रेस कर देते हैं, पहले के पापा एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो डेफिनेटली लव्स मी, वो बहुत प्यार करते हैं। और इकलौता हूँ तो मेरे को याद है जब छोटा था तो हर मन्नत चाहे अजमेर के आपके अपने वो ब्रह्मा जी का मंदिर हो पुष्कर का, चाहे से कैला देवी, ऐसा कोई शायद जगह नहीं जहाँ उन्होंने मेरी मन्नत नहीं मांगी, वो सब जगह लेके गए, तो हर बार लेके जाते थे कि बेटा हुआ है ये वो, तो क्योंकि काफी लेट हुआ, मैं पापा की एज काफी थी जब मैं हुआ जी। तो लेट इशू था, तो शुरू से बहुत प्यार से रखा, नाजों में रखा है मेरे को, तो बचपन तो मेरा बहुत रॉयल भी था। अच्छा, मम्मी के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही आपकी? माँ मेरी औसम है, उनका जैसी माँ मैंने दुनिया में देखी नहीं, और शायद हो भी नहीं सकती मेरी माँ जैसी कोई माँ, क्योंकि आज भी उनकी इतनी एज है फिर भी वो जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता हूँ जयपुर आने के बाद में उनको नींद नहीं आती, और बॉम्बे भी रहता हूँ तो पूछती रहती है तू क्या खाना खाया नहीं खाया तूने, तू कहाँ क्या कर रहा है, मतलब मेरी मदर ऑसम है, और ऑल्दो शी इज डबल MA अपने टाइम की, बहुत बड़ी बात है, और मेरी मम्मी की सोशियोलॉजी की किताब भी छपती थी जी। राइटिंग, और उसके बाद भी हाउसवाइफ है वो, उन्होंने कभी जॉब नहीं किया क्योंकि उस टाइम नहीं करवाया करते थे, और नीड भी नहीं थी फाइनेंशियली क्योंकि फादर अच्छी पोस्ट पे थे, तो उन्होंने शुरू से संस्कार और बस एक ही चीज सिखाई कि डरो मत, और उन्होंने कभी हम पे दबाव नहीं बनाया, हमने जो कहा मम्मी मुझे ये करना है ठीक है बेटा करो, मतलब उन्होंने कभी भी हम पे ऐसे बाउंडेशन या ये नहीं करना वो नहीं करना या इसको नहीं मानना या वो नीचा है ऊंचा है, हमारे घर में कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं आई, तो मदर मेरी बहुत अच्छी गुरु है और बहुत समर्पित लेडी है। डांस तो चलिए आपका एक तरह से करियर है, पूरा पैशन है, इसके अलावा इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज, आपकी लाइक डिसलाइक? मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है और WWE बहुत पसंद है, रेसलिंग्स, और बाकी मैं एडवेंचर पसंद हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो अपनी गाड़ी उठाई और अपने फैमिली वगैरह के साथ में और हम लोग निकल जाते हैं या दोस्तों के साथ में, तो जंगल में रॉ पे जाके हमें बात बीच सड़क पे या बीच जंगल में बैठ के आग जलाना और वहाँ पे पनीर टिक्के बनाना, ये चीजें बहुत मजा आता है, हम लोग करते हैं, पिकनिक्स करते हैं, कूकस डैम पे हमने बहुत बार किया है, हमने कानोता पे गए, तो बारिश आती है हम लोग अपनी गाड़ी में सामान लाद के ले जाते हैं और अरावली की पहाड़ियों में घुस जाते हैं। बचपन के जो दोस्त आपके वो भी आपके टच में हैं आप उनसे, या बॉम्बे जाने के बाद वो एक जो गैप आ जाता है वो कहीं ना कहीं आया है? नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं विवेक शर्मा, रवि अग्रवाल, ये लोग मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और वो आज भी मेरे टच हैं, पवन सरदार सिंह एक मेरा फ्रेंड है, अच्छा पवन सिंह,
ये कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो आज भी हम साथ में, स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं हम लोग, 11 12th के, बहुत छोटे बचपन वाले तो नहीं है मेरे टच में वो लोग, क्योंकि मैंने कहा ना ट्रांसफर की वजह से हम लोग इधर उधर रहते गए तो कभी फोकस नहीं हो पाए, लेकिन हाँ 9 10th के बाद के मेरे फ्रेंड्स आज भी मेरे साथ हैं। दोस्तों में कहीं भी या रिलेटिव्स में या आसपास के लोगों के, ये सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, आसपास के लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं? नहीं, वो बिल्कुल भाव नहीं देते, मैं उनको एहसास कराता हूँ। वो फोन आते ही, जयपुर आते ही, बोला आ गया क्या तू? बोला आ गया। बोले फिर मैंने कहा अब तो इज्जत कर लो यार। बोले तेरी इज्जत नहीं करेंगे। अच्छी फ्रेंड हमारी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत प्यारे दोस्त है मेरे। अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहे, कुछ कहना चाहे? हाँ, इज्जत करो यार अब। नहीं, बस खुशी से जियो और बस सब लोग अच्छी फैमिली मस्त रहें। और डांसर्स के लिए मैसेज ये है, कीप डांसिंग और राजस्थान का नाम रोशन करो। राजस्थान वालों के लिए स्पेशली बोलूंगा, आगे आओ कुछ सीखने को, मैं रहता हूँ, अवेलेबल हूँ, मेरी टीम पूरी अवेलेबल है। हमारे पास सारे सब्जेक्ट हैं एडवांस, आज के जितने भी चल रहे, हिप हॉप चल रहे, बॉलीपॉप चल रहा हो, कंटेम चल रहा हो, एक्सपर्टीज है मेरे पास सारे। यू कैन कम एंड कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, किसी की हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आइए, अनबीटेबल ग्रुप में आइए, मैं सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, रियलिटी शोज में कैसे फाइट करना चाहिए। आई एम देयर फॉर राजस्थान गाइस, हमेशा पूरे इंडिया के लिए ही हूँ, बट यहाँ रहता हूँ तो मैं मन है कि यहाँ के लोग आगे बढ़े। हमारे दर्शकों के लिए खासतौर पर यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यूथ के लिए यही है, मैं मेरे फील्ड से ही रिलेटेड मैसेज दूंगा। जी बिल्कुल। हम लोगों को जॉब की दिक्कत नहीं थी, 50-60 हजार का जॉब मिल सकता था, एक विजन में चेंज लाइए। आज मैं 30 लोगों को या 40 लोगों को रोजगार दे रहा हूं, मेरी एज उतनी नहीं है कि मैं उतने लोगों को काम दूं, लेकिन एक फील आता है, हम उनको सैलरी देते हैं। एंटरप्रेन्योर बनिए, फॉरगेट अबाउट, या तो ये मान लीजिए थोड़ा सा एक मजबूरी है कि मैं एक सामान्य वर्ग से हूं तो एक कहीं ना कहीं हमारे को जॉब नहीं है, हम लोग के पास में हाई परसेंटाइल जा रहा है, तो खैर ये तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, मैं इस पर कुछ उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगा। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि हम लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो अब हम लोग क्या करें, कुछ तो करेंगे ही, तो हम लोगों ने अपना चीजें अपनाई, व्यापार अपनाया, और अपना के अच्छा ही लग रहा है कि आज हम अपने मर्जी के मालिक हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनिए, जॉब जनरेट होगा, 10 लोग अच्छा करेंगे, आपको सीखने को मिलेगा। तो और फोकस कीजिए, आपकी ये मेरी गारंटी है, आप अगर फोकस है अपनी लाइफ पे तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बस जो एक खुद थोड़ी देर आत्मचिंतन करें, बैठें, जैसे मैंने कैफे खोला, मैंने होटल खोला, मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री खोली, मैंने सब काम करे हैं, बहुत कुछ किया है मैंने, भाग दौड़, बट फिर लास्ट में कुछ एक बहुत गलत, बहुत बुरा समय मेरी जिंदगी में आया था, जिसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बहुत बुरा समय आया, फेज 2013-19 से 12, अकेला बैठ गया, मेरे पास कोई नहीं था, बहुत सोचा, भोलेनाथ का मानता हूँ, सोचा, लास्ट में थॉट आया कि तू कर क्या सकता है विकास, तू सबसे अच्छा क्या कर सकता है। तो आंख बंद करी तो मैं अपने आप को डांस करता और एक्टिंग करता दिखा, तो मैंने कहा ये, और इवेंट्स, मैंने कहा मैं इवेंट्स और डांस यही मेरे को आता है, और शायद यही मैं इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को आत्मचिंतन करें, सोचें कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, और जो आपका विजन, आपके अंतरात्मा आपको गवाही दे, आप वो काम करें, आप सफल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, मुझे लगता है शायद कुछ ना कुछ किसी ना किसी दर्शक को तो आपसे सीख मिलेगी। और विकास, हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए पत्रकार स्टूडियो, इतना टाइम आपने दिया, और हम आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट हो, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल, सफर को जरूर देखिएगा, सब्जेक्ट रिलीज है जल्दी चैनल्स पे, और आपके सारे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पे भी, सब पे जल्दी आने वाला है सफर मेरे इश्क का। और DJT 4 सीजन आ रहा है, तो जितने भी डांसर्स हैं इंडिया भर के, आपके माध्यम से पत्रिका टीवी का मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, राखी जी आपका, कैमरा टीम एंड जितने भी यहाँ पे प्रोडक्शन टीम है सबको थैंक्स बोलूंगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, और हृदय से धन्यवाद, क्योंकि मीडिया सबसे अच्छा मंच होता है अपनी बात रखने का, और आप लोगों ने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोग बस DJT और इन सब में लग जाइए, प्यार दीजिए, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू। तो ये थे पत्रिका मंच में हमारे साथ विकास सक्सेना, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।